हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आईपीएल 2023 की स्टार्टिंग में अब बस 2 दिन का वक्त बाकी रह गया है और 2 दिन के बाद आईपीएल 2023 की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलेगी। और आईपीएल के स्टार्टिंग से ठीक पहले अब ट्रेड विंडो के रिगार्डिंग हमारे सामने काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि अगर आप लोग आईपीएल के बड़े फैंस हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं अब आईपीएल 2023 की। ऑलरेडी हमें 2 ट्रेड विंडो कंप्लीट होते हुए देखने को मिल चुकी थी, जहां पर पहली ट्रेड विंडो हमने तब देखी थी जब रिटेन्ड और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट आई थी, उसमें हमें काफी सारी ट्रेड देखने को मिली थी। और उसके बाद बीसीसीआई के द्वारा सेकंड ट्रेड विंडो की अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन इस ट्रेड विंडो में हमें ट्रेड काफी क्लोज पार्ट तक जाते हुए तो नजर आई, लेकिन वो ट्रेड कंप्लीट होते हुए देखने को नहीं मिली थी। और अब बीसीसीआई के द्वारा अनाउंसमेंट कर दी गई है कि आईपीएल के बीच में हमें मिड सीजन ट्रेड विंडो देखने को मिलने वाली है, यानी कि आईपीएल के बीच के सीजन में ही आप लोगों को टीम ऐप ट्रेड करते हुए देखने को मिलेंगी अगर किसी टीम को ट्रेड की जरूरत है, क्योंकि इस साल काफी सारे इंजर्ड प्लेयर हैं तो वो आईपीएल के बीच में भी ट्रेड कर सकती हैं। तो ऐसे में अब अगर बारी बारी से बात की जाए कि कौन कौन से प्लेयर्स को और कौन कौन सी टीमों को ट्रेड के रिगार्डिंग फिलहाल हमें इंक्वायरी देखने को मिल रही है, तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जहां पर केकेआर की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से अब अजिंक्य रहाणे की ट्रेड के लिए बातचीत की है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से श्रेयस अय्यर पूरे के पूरे आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। तो ऐसे में इनको एक इंडियन प्लेयर की जरूरत है जो कि नंबर 3 या फिर नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर पाए। तो ऐसे में इन्होंने सीएसके की टीम से रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि अजिंक्य रहाणे तो उनकी प्लेइंग 11 में मोस्ट प्रोबेबली नहीं होने वाले, तो ऐसे में चाहती है कि सीएसके की टीम अजिंक्य रहाणे को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में वापस ट्रेड कर दे। इनके बाद इस लिस्ट में हमें आगे नाम देखने को मिलता है राजस्थान रॉयल्स की टीम का, जहां पर आरआर की टीम के भी बॉलिंग डिपार्टमेंट पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, जहां पर प्रसिद्ध कृष्णा ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। इसके साथ ही नवदीप सैनी को भी इंजरी के इश्यूज आ रहे हैं, हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर संदीप शर्मा को आरआर की टीम ने बुला लिया है, लेकिन इसके बावजूद इनके पास अभी भी एक भारतीय गेंदबाज की कमी है, जिसके चलते इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जिनकी बॉलिंग लाइनअप काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उनसे कमलेश नगरकोटी की ट्रेड की मांग की है, जहां पर कमलेश नगरकोटी को राजस्थान रॉयल्स की टीम अपनी टीम में ट्रेड करना चाहती है। इनके बाद इस लिस्ट में आगे हमें नाम देखने को मिलता है पंजाब किंग्स की टीम का, जहां पर पीबीकेएस की साइड से जॉनी बेयरस्टो आईपीएल 2023 से बाहर हो चुके हैं, और ऐसे में पीबीकेएस की टीम को भी मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन की जरूरत है। लेकिन अगर ये अब जॉनी बेयरस्टो के बदले किसी विदेशी खिलाड़ी को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल करते हैं तो फिर इनकी टीम का बैलेंस खराब हो सकता है, जिसके चलते पीबीकेएस की टीम ने गुजरात टाइटन्स की टीम से अभिनव मनोहर, जिनका लास्ट आईपीएल का सीजन अच्छा गया था और डोमेस्टिक सीजन काफी अच्छा गया था, उनको इन्होंने ट्रेड करने की मांग की है गुजरात टाइटन से। तो गाइस, ये वीडियो ही तक थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।